हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ टर्म कर सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोग डिस्कशन किया था मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल या फिर साइडवेज हो सकता है। एक या दो दिन यहाँ से साइडवेज होने के बाद अगर 39,000 लेवल होल्ड करता है तो आने वाले टाइम में हम लोग बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। कल एक पॉइंट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, फुल क्वांटिटी नहीं। अगर इसके नीचे निकलता है 38,700, ये सारे सार्फ सेलिंग जोन होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तो मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट वॉलेटिलिटी था, लेकिन वेरेज अगर आप लोग निफ्टी देखोगे, निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आता रहा। वेरेज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल था, 39,100 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स अभी हम लोग का प्लानिंग क्या होना चाहिए, सिंपल। अगर आपको बाई करना है तो 39,100 थोड़ा सा दूर हो जाएगा जहाँ से ये शार्प सेलिंग होना स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स 39,000 के आसपास, 38,950 के ऊपर ही हम लोग प्लान करेंगे बाई करने के लिए। इसके नीचे हम लोग का सेलिंग का एरिया रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक शार्प सेलिंग आया है तो अगर यहां से कंटिन्यू रहता है या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा सरप्राइज कर देता है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है। जिस तरीके से यहां से लास्ट टाइम भी सेम सिनेरियो हुआ था, मार्केट एक मोमेंटम किया था, फिर नेक्स्ट डे अचानक से सेल अप आया, मार्केट गैप अप खुला और कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मार्केट चलता गया। अगर कल इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहता है, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, पहले 5 मिनट 6 मिनट वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग उसी फेवर में ट्रेड कर सकते हैं। इमेजिन करो कल डायरेक्टली गैप अप खुलता है, 38,850-900 इसी लेवल के आसपास डायरेक्टली खुल गया, तो यहाँ से इतने लोग सेल किए होंगे, उन लोग ट्रैप हो सकते हैं। और कल का जो प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा था उसी लेवल के आसपास ही आ जाएगा और ये फिर 39,100 इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो कल सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो मेक श्योर कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए अपना सेलिंग का पोजीशन। जिन लोग सेल किए होंगे अपना स्टॉप लॉस आपको पता होगा, इसके पास 38,900 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर यहाँ से जाके रिवर्स आ जाता है वेल एंड गुड, अगर यहाँ से ये कंटिन्यू चलता है तो फिर डायरेक्शनल मूव हो सकता है। तो मेक श्योर, क्योंकि 2-3 दिन मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी दैट टू कि नहीं, हो सकता है कि नहीं 700-800 पॉइंट ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग बहुत नैरो रेंज के अंदर हो रहा है, तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम पेंडिंग है। हो सकता है 2 दिन के अंदर हम लोग को एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिले, तो हम लोग का प्लानिंग क्या होना चाहिए, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो 5 मिनट ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर वेट करेंगे जब तक ये 38,650 क्रॉस नहीं करता नीचे साइड। अगर ये क्रॉस करता है तब फिर से हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए एक ही कंडीशन है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद 5 मिनट ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर बना रहा फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखो। अगर ब्रेकआउट देता है 38,950 के ऊपर निकलता है तभी भी हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पे इस लेवल पे 38,600 के आसपास बाय मत कर लेना, डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स ऑलवेज बेटर थोड़ा सा पुल होने दीजिए, 38,900-950 उसके ऊपर ही हम लोग प्लान करेंगे। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी पिक्चर परफेक्ट मूव था। आपको एक पॉइंट याद होगा, कल मैंने आपको बताया था इसके नीचे हम लोग हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे हम लोग फुल क्वांटिटी, दैट पे एग्रेसिव सेलिंग होना चाहिए। अगर आप देखे होंगे मार्केट डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था, मॉर्निंग आवर से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था, उसके बाद आने के बाद अगर आप लोग देखोगे ये लेवल क्रॉस करते ही साथ कंटिन्यूसली एक बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आया, मोर देन 100-150 पॉइंट का शार्प सेलिंग आया, लेकिन बैंक निफ्टी इतना पॉइंट मूव नहीं किया, बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा था। तो इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेटली 17,100 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेवल होने वाला है, हम लोग को बाइंग फिर से 17,100 के ऊपर प्लान करना चाहिए। इसके बीच में थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम लोग फिर से सेलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। 17,100 के ऊपर ही हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, और बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 17,080-90 इस लेवल के आसपास तो ये बुलिश की तरह थोड़ा माना जाएगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ इस तरीके से स्लो एंड स्टडी आता रहता है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होता है। अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो फिर एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड कर सकता है, आने वाले टाइम में फिर से ये कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड। जब तक इसी लेवल के आसपास या फिर गैप डाउन खुल रहा है तब तक हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करते रहेंगे। चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया है, यहाँ से कंटिन्यूसली 3-4 दिन ट्रेड कर रहा है, अभी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने के लिए दिख रहा है, 500 का राउंड लेवल है तो एक साफ सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। 449 या फिर 500 के नीचे, 1-2 रुपये नीचे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, 3-4 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक, अगर हम लोग देखेंगे जहां से सेलिंग आया था उसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस बना के ये फिर से नीचे आ रहा है, तो ये ट्राई करेगा एक नया लो लगाने के लिए। अगर नया लो लगाता है तो ये प्राइस एक्शन कन्फर्म हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में ये आ चुका है, तो हम लोग इसको थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन का रेंज से ये बाहर निकला है तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड इसके अंदर हो सकता है। 1163 या फिर 1162 के नीचे
हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। हम लोग का स्टॉप लॉस 7 to 8 rupees होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा पॉज ले रहा है, अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में बंद हुआ और अभी एक डोजी पे बंद हुआ है। तो जनरली क्या होता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट प्लस डोजी, तो यहाँ से ये कंटिन्यू होने का चांसेस आर वेरी हाई। तो यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, दैट मीन थोड़ा सा हायर साइड पर हम लोग बाइंग के लिए रखेंगे। 1775 के ऊपर ही हम लोग इसको प्लान करेंगे बाई करने के लिए, 5-6 rupees ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, प्लान करेंगे। अगर इमेजिन करो गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुलने का नीचे आ रहा है, हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन 1775 के ऊपर अगर ये निकल रहा है तब हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है, हो सकता है कि नहीं एक अच्छा पुल बैक 1800 तक भी आ जाए। जनरली क्या होता है, ये नेगेटिव साइन है, इसके ऊपर ट्राई करेगा इसको क्लोज करने के लिए, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा सेंटीमेंट बिल्ट होगा बाइंग के लिए। तो ये कंडीशन हो सकता है कल के दिन एक अच्छा सेंटीमेंट में दिख रहा है इंडिगो, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। स्टॉप लॉस हम लोग का 6 to 7 rupees होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।